नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास से फिट पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 38 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 38 पे पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा और उनकी नीतियाँ क्या थी, उनका प्रभाव कैसे क्या रहा भारत पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक ढांचा के बारे में। सबसे पहले आपका है यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा। तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें तीन प्रेसिडेंसियों प्रांतों में बांटा गया, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन तीन प्रेसिडेंसियों प्रांतों में बांटा गया, आपका बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक नई पृथक इकाई बनाकर एक मिनट प्रशासनिक ढांचा। तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें तीन प्रेसिडेंसियों प्रांतों में बांटा गया, बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, परंतु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, परंतु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। तो प्रारंभ में जो आपके प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। उनका कार्य राजस्व वसूल करना था और इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी आयोग प्रबंधक थे। तो प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। उनका कार्य राजस्व वसूल करना था। इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य सैनिक कार्य भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी आयोग प्रबंधक थे। कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात पैसों के लिए उनका लालच था। तो कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात पैसों के लिए उनके लिए उनका लालच था। कंपनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। तो कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात पैसों के लिए उनका लालच था। कंपनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों और वह दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। तो किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों और दस्तकारों को अपना माल जो है कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया और इसके फलस्वरूप लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेशी व्यमदूत मानने लगे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया और नौकरी से अवकाश लेकर इंग्लैंड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे। इंग्लैंड के लोग उन्हें नवाब कहकर पुकारते थे। इधर भारत में आम जनता का जीवन अत्यधिक दुखमय होता गया और विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचाकर रखने में असमर्थ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1770 से लेकर 71 ईस्वी के अकाल में भुगतने पड़े और अकाल से बंगाल में लगभग एक तिहाई लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका है रेगुलेटिंग। आपका रेगुलेटिंग आपका 1773 में आया, उसके द्वारा क्या किया गया तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका यही आया था कि कुशासन के कारण बंगाल में बृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी और अंत में ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो कुशासन के कारण बंगाल में बृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी। अंततः ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण मांगा था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर
नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट नियमन कानून बना और भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था। कंपनी के निदेशकों डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई। कंपनी की कलकत्ता के फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था, अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन काम करने लगे। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रथम जज एलिजा इंप्रे थे। प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जल्द ही स्पष्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आपका 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, तो यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट के माध्यम से तो आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है आपका व्यापार और पॉलिटिक्स और आपका जो बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए, तो कंपनी के डायरेक्टरों के हाथ में ही था आपका व्यापारिक का काम करना, और राजनीतिक क्रियाकलापों सैनिक असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपका जो है राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जो है आपका यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। ठीक है, और इसमें आपके 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया संस्था बनाया गया, जो कि आपका सैनिक असैनिक व राजस्व संबंधी कार्य को देखता था। ठीक है, 1786 में क्या हुआ, तो 1786 का अधिनियम में, तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आपका जो 1786 का अधिनियम जो था, बीच में छोटा सा आया था, इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल था उसको जो है अगर कोई परिषद सभी बैठ के एक कोई निर्णय लिया होगा, तो अगर उसमें जो है गवर्नर जनरल को सहमति अगर नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उस निर्णय को जो है हटा सकता, उसको खत्म करने का अधिकार था गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त हटाने का खत्म करने का अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान दिया गया था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को, तो आपका जो गवर्नर जनरल है उसको जो है प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपका जो है गवर्नर जनरल यहीं आपका जो है प्रधान सेनापति होगा। ठीक है, आपका 1786 का अधिनियम के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 का आपका चार्टर एक्ट में क्या था, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपका 1793 से लेके 1813 तक जो है इसका कंपनी का अधिकार जो है यथावत रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, इस एक्ट में नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो आपका ये जो था नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण मंडल। ठीक है, इसमें 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय मतलब भारत के जो रेवेन्यू है, भारत का जो पैसा है, उससे जो है इनका जो है पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, भारत के पैसे से इनको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, रहेंगे इंग्लैंड में लेकिन पैसा मिलेगा भारत से। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो आपका रिटेन कानून है, रिटेन लॉ है,
तो इसका नींव यहाँ पर रखा गया था 1793 के एक्ट के द्वारा, तथा सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था। तो तथा सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को प्रदान किया गया था। ठीक है, सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चार्टर एक्ट 1813। तो आपका जो चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ, तो उसको पढ़ते आगे। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, और किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। ठीक है, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई, और इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के सरकारों द्वारा जो है बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। तो आपका चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, तो इसके साथ जो चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार जो है बना रहा था। ठीक है, और बाकी जो है व्यापारिक अधिकार व्यापारिक एकाधिकार को खत्म समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। तो आपका जो भारत का जो पैसा है, भारत का रेवेन्यू जो है, आपका यहाँ पर नियम आपका लॉ है, नियम और पद्धतियां बनाई गई। और इस चार्टर ने जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका प्रेसिडेंसी मिलकर जो है जो भी कानून बनाएगी उसको जो है ब्रिटिश सरकार आपका जो है ब्रिटिश संसद उसको अनुमोदन जो इसको अनिवार्य करेगा। ठीक है, इसको कंपलसरी बना दिया गया। ठीक है, जो भी ये तीनों प्रेसिडेंसी निर्णय लेगी तो उसको ब्रिटिश संसद को पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ, तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। तो अब क्या हुआ, तो जो पहले आपका जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब जो है यहाँ से पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और अब आपका जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित इसी के अंडर में होगी। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम के ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का आधिपत्य था भारत के क्षेत्र पर, तो वहाँ पर अब जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल का नियंत्रण होगा। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण, तो अब जो है पूर्ण नियंत्रण वहाँ का सैनिक, वहाँ का राजस्व, वहाँ का हर चीज जो है अब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश जो है आपके गवर्नर जनरल के अधीन होगा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंध हो गया। इस अधिनियम में मद्रास व बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो पहले जो आपका मद्रास व बम्बई के गवर्नर जो थे आपके खुद से विधायिका बना सकते थे, वहाँ पर अब जो है 1833 के एक्ट के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए, और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक रेगुलेटरी लॉ कहा गया। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून रेगुलेटरी लॉस कहा गया, और एवं नए कानून के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। तो पहले जो भी आपके कानून बनाए गए थे उसे अब जो है नियामक कानून रेगुलेटरी लॉ कहा गया था, लेकिन आपको जो नया कानून बनाया उसके अंतर्गत अब इसे जो है कानून को अधिनियम एक्ट कहा गया था। ठीक है, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कागज पर ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका
1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, तो 1853 का आपका चार्टर अधिनियम में क्या था, तो इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। तो आपका जो भी आपका विधायी कार्य था, ठीक है, तो उसको जो है प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग कर दिया गया, और विधि निर्माण हेतु, तो विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। तो विधि आपका कानून बनाने के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा, और विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को, तो आपका जो है विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। तो विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधित्व, जो भी आपके प्रांतों के प्रतिनिधि थे, इसका सदस्य बनाया गया, ठीक है, और सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। तो पहले सबसे पहला यहाँ पर जो है 1853 के तहत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया, और 12 सदस्यीय विधान परिषद लागू की गई, और विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। परिषद की इस शाखा के ने निम्न संसद की तरह कार्य किया। तो परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह काम किया था, ठीक है, एक आपका लोअर हाउस की तरह काम किया था, ठीक है, आपका जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो आपका इसका बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से, तो आपका जो नया बना था सदस्य, नया 6 नए सदस्य में 4 का चुनाव जो है आपका एक बंगाल प्रेसिडेंसी से, एक मद्रास से, एक बम्बई से, एक आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत शासन अधिनियम, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1858, तो वर्ष 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों के मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था। तो यहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था 1858 के अधिनियम द्वारा, और भारत स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में काम करना था, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था का काम क्या था, तो भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में काम करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया, और अधिनियम में जो है अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और वह वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, ठीक है। तो आप जो है आपका वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा, इसके अंडर ही सब कुछ काम होगा भारत में। और इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत में शासन को द्वैत शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।